इन माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कुछ जरूरी। तो क्या होता है, कई बार हमारी कार की बैटरी बार बार डिस्चार्ज हो जाती है और हम इसे चार्ज करवाते हैं, फिर से लगाते हैं और बाद में फिर से डिस्चार्ज हो जाती है। तो यह किस वजह से हो रहा है वो जानना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि बैटरी खराब होने से यह होता है। दूसरा जो प्रॉब्लम रहता है कार में आता है ऑल्टरनेटर, जो पावर प्रोड्यूस करता है। अगर वो पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा तो आपकी कार की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये ऑल्टरनेटर है वो पावर प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो कैसे पता लगाए? तो किस किस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि आपकी कार का ऑल्टरनेटर ठीक है या ख़राब हो गया है, इस वीडियो में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उस पर। तो चलो इसे शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलो इसे शुरू करते हैं। हम कैसे पता लगाएं कि अपनी कार का ऑल्टरनेटर ठीक है खराब हो गया? तो उसे चेक करने का फर्स्ट पॉइंट क्या रहता है, जब आप कार के की कोई बंद हो और इस तरह से ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैटरी का साइन दिखा रहा है। तो क्या होना चाहिए जब हम इस कार को स्टार्ट करें, हम इसे स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखो स्टार्ट करने पर क्या होना चाहिए, ये जो बैटरी का साइन है वो इस तरह से चला जाना चाहिए। अगर ये लाइट कंटिन्यू रहती है, जो इस बैटरी की लाइट है, ये बैटरी की लाइट है, अगर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी कंटिन्यू रहती है तो आपके कार का ऑल्टरनेटर वर्क नहीं कर रहा है पता चलता है। ये इसी के लिए दिया जाता है कि इसे पता चले कि कार का ऑल्टरनेटर ठीक है या खराब हो गया है। तो दोस्तों अब मैं आपको बैटरी के पास दिखाऊंगा अगर आपकी कार का ऑल्टरनेटर ठीक है या खराब हो गया इसे कैसे पता लगा है। दो और तरीके बताऊंगा जिससे आप पता चल कर सके कि आपकी कार का ऑल्टरनेटर ठीक है या खराब हो गया है। एक है जिसमें हमें मल्टीमीटर की जरूरत रहेगी और दूसरा है जिसमें हम बिना मल्टीमीटर के भी यह पता लगा सकते हैं कि अपने कार का ऑल्टरनेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं दोनों तरीके आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ अगर आपके पास ऑल्टरनेटर हो तो किस तरह से पता चल जाएगा, की मदद से हम किस तरह से पता लगाए कि अपना जो ऑल्टरनेटर है वो ठीक है या खराब हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यह हमारे पास अब ये मल्टीमीटर है। तो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर में इसे वोल्टेज पे सेट कर देना है, 20 पे सेट करना है, क्योंकि अपनी कार में जो वोल्टेज रहता है 12 वोल्ट की बैटरी के आसपास ही रहता है, 20 से ऊपर वोल्टेज जाते नहीं है कहीं पर भी। तो हमें क्या करना है, इसे आप देखो यहाँ पे 20 पे सेट कर देना है, फिर प्लस और माइनस को इस तरह से बैटरी पे लगा देना है। तो आप देख सकते हैं 12 पॉइंट समथिंग वोल्टेज आएगा, इसका मतलब एक बैटरी अगर आपकी फुल चार्ज रहेगी तो 12 वोल्ट बताएगी, अगर डिस्चार्ज होगी तो इससे कम वोल्ट बताएगी। तो अब हमें पता कैसे चलेगी अपना ऑल्टरनेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके पहले हमें क्या करना होगा, कार को स्टार्ट करनी होगी। तो दोस्तों हमने कार को स्टार्ट कर दिया है अभी, अब आप वोल्टेज देख सकते हैं मल्टीमीटर पे, ये 14 पॉइंट समथिंग दिखाएगा, 14 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब ये कि अपना ऑल्टरनेटर है वो पावर जनरेट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह है अपनी कार का ऑल्टरनेटर जो अभी वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं 14 पॉइंट समथिंग वोल्टेज दिखा रहा है, इसका मतलब है कि यह कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। और दोस्तों अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाऊंगा, अगर आपके पास मल्टीमीटर ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि यह ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है अपना ऑल्टरनेटर। तो दोस्तों बिना ऑल्टरनेटर के आप किस तरह से चेक करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें क्या करना है, बैटरी का अगर आपको पहले कार को स्टार्ट कर देना है, इस तरह से कार को स्टार्ट करने के बाद क्या करना है, हमें कोई भी एक टर्मिनल खोल देना है, आपको एक 10 नंबर के टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे, हम इसको ओपन कर देंगे, या कोई भी बॉडी के साथ टच नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो क्या करना है, इसे हमें इस तरह से निकाल देना है दोस्तों, इसे हम निकाल देंगे फिर भी अगर आपकी कार स्टार्ट रहती है, इसे यहाँ से दूर कर देने पर भी अगर आपकी कार कम्प्लीटली इस तरह से स्टार्ट रहती है, बंद नहीं हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी कार का ऑल्टरनेटर बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा है। अगर इसे यहाँ से हम रिमूव करते हैं तो रिमूव करने पर तुरंत ये अगर कार बंद हो जाती है, इंजन बंद हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि आपकी कार का ऑल्टरनेटर खराब हो चुका है। तीन तरीकों से अपनी कार का ऑल्टरनेटर ठीक है या खराब हो गया है वो पता कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो उससे यूज़ करके आप बिना टर्मिनल खोले भी पता लगा सकते हैं, या कोई भी एक टर्मिनल बैटरी का खोल दीजिए और पता लगा लीजिए। और फर्स्ट जो पहला सिग्नल रहता है जो ऑल्टरनेटर खराब हो जाने के बाद हमें मिलता है, वह है डैशबोर्ड पे क्लस्टर मीटर पे देखते हैं कि ऑल्टरनेटर जो बैटरी का साइन दिखा रहे हैं वो कार ऑन करते ही चला जाना चाहिए। अगर वो कंटिन्यू रहता है तो भी अपने जो ऑल्टरनेटर है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा होता है।
तो दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। ऑटोमोबाइल और आपके कार के रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर देता ही रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।